प्रेज द लॉर्ड, गुड मॉर्निंग। आज का दिन यहोवा ने बनाया, हम उसमें आनंदित हो जाए और मगन हो जाए। परमेश्वर आपको बहुत बहुत आशीष दे, आज का आपका दिन बहुत अच्छा रहे। आत्मिक बढ़ोतरी, उन्नति, स्पिरिचुअल ग्रोथ। सेकंड पीटर चैप्टर 3:18, दूसरा पत्रस 3:18, पर हमारे प्रभु और उद्धारकर्ता यीशु मसीह के अनुग्रह और पहचान में बढ़ते जाओ। हमारे प्रभु यीशु मसीह उद्धारकर्ता, प्रभु यीशु मसीह के अनुग्रह और पहचान में बढ़ते जाओ। उसी की महिमा आप भी हो और युगानुयुग होती रहे, आमीन। ग्रो इन द ग्रेस ऑफ द लॉर्ड एंड ग्रो इन द नॉलेज ऑफ द लॉर्ड। प्रभु की अनुग्रह हमारे जीवन में हर दिन बढ़ना है। पौलुस की हरेक पत्रियों के शुरुआत में आखिरी में इसे शब्द पढ़ सकता है, नो ग्रेस एंड पीस बी अबाउंड इन यू। अनुग्रह और शांति आपका जीवन में बढ़ते जाए, इट शुड ग्रो, ये बढ़ते जाना है। पत्रस अपना दोनों पत्री समाप्ति करते समय बोलते हैं, आप यीशु मसीह का अनुग्रह में बढ़ते जाओ और उसकी पहचान में, उसका नॉलेज में बढ़ते जाओ। यीशु को और जानने के लिए आप बढ़ते जाओ और यीशु मसीह के और ग्रेस को, अनुग्रह को पाना है। जितना पाया काफी नहीं है, रिसीव मोर, ग्रो इन द ग्रेस ऑफ द लॉर्ड एंड ग्रो इन द नॉलेज ऑफ द लॉर्ड। प्रभु की पहचान में बढ़ना है, क्योंकि हमारे सारे आत्मिक आशीष, सारे आशीष जो है यीशु मसीह के पहचान के द्वारा हमको मिलता है। इसे जितना आप यीशु को जानेंगे उतना आपकी आशीष बढ़ेगा, उतना आपका जानकारी बढ़ेगा, उतना आपका आत्ममनुष्य बढ़ेगा, उतना आपका विश्वास बढ़ेगा, उतना आपका आपके जीवन में बढ़ोतरी होगा। सो ग्रो इन द नॉलेज ऑफ द लॉर्ड, प्रभु की पहचान में बढ़ते जाए। मसीह की जिंदगी बढ़ोतरी का जिंदगी है, अनुग्रह में बढ़ते जाए और मसीह का पहचान में बढ़ते जाए और उसे जानने के लिए बढ़ते जाए। ग्रो ग्रो एंड ग्रो, जितना बढ़ेंगे उतना आप प्रभु को जानेंगे, जितना जानेंगे आपका जिंदगी सबसे आशीषित हो जाएंगे। गॉड ब्लेस यू, गॉड बी विद यू, शालोम।